सभी दोस्तों को नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों को जो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो सुबह हमारी बहन जी के यहाँ से मकान निर्माणाधीन है, इनका मतलब निर्माण कार्य जारी है। अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये हमारे मौसा जी। और मौसा जी ठीक हो सुनवाओ कुछ। अभी वही मैं बताऊँ। चलो तुम्हारा मकान दिखाता हूँ। अभी इसका मुआयना करवाता हूँ जी तुम्हें मकान का, इनके बहन जी का। अभी तो खैर काम जारी है। मौसी नमस्ते। ये है इनकी किचन। ये एक रूम है। अभी तो खैर काम जारी है। अभी तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर बनाएंगे का वीडियो। कबूतरों ने बसेरा डाल लिया अपना। ये जी है इनका पूजा पाठ का मामला। स्वास्थ्य भी बनवा दिया दीवार पर। ये इनकी बैठक है जी। अपना वाहन सामने खड़ा हो। ये उनका जीना। ये लेटरिन बाथरूम के लिए है। यहाँ वो भी वो लगेगी ममटी तो खैर बन गई, पर वो लगेगा अभी फ्रेम और शीशे भी इसी के लिए है। अच्छा हाँ। बाकी जी इनका एंट्री गेट। अब एक लुक जरा बाहर से और दिखा दें। बाहर से है जी ऐसा। ये ऊंचाई बता रखी है इन्होंने, क्योंकि 15-20 साल में लेवल में हो ही जाएगा जैसे हमारे गांव में पड़ा डाउन। तो ये टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। अब अपनी तैयारी है, घर को चल लेगी। चलो मुझे चल रहे हो घुमा लाऊँ। चलो मुराद में घुमा लाऊँ। मुराद में है। अच्छा चलो ठीक है फिर। समोसा नमस्ते। मौसी नमस्ते। अच्छा बहन जी नमस्ते। ठीक है बहन जी नमस्ते। ये है जी बॉर्डर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। ये यूपी की रोड अलग ही है, उत्तराखंड की अलग है। लंबी लंबी बंदूक निकाल रखी है वे। भगवा स्कूल। आगे आ रही है जी नदी। ऐसी चढ़ाई गाड़ी हो बहुत तेज रफ्तार, कम से कम पुल को तो पार कर ही देगी। कम से कम 400 की स्पीड से अगर कुदा हुआ यहां से आदमी जंप पुल तो क्या बनना होगा, बहुत लंबा पुल है। ये है जी राम गंगा का पुल। राम जी की गंगा है सामने है। वो पानी तो कमी है खैर इस टाइम तो। कबूतर कमी इस टाइम तो जी। ज्यादातर काम जो है खेतों पे भराई गई चल रहा। अभी पीछे एक खेत देख रहे हैं मैं धानों का, उसमें तो बाल निकल गया। धान वान उनने सही टाइम पे बो दिए होंगे, हमारा थोड़ा लेट चल रहा मामला। जो बहुत बोई पड़ी है अगले धानों के लिए, तो पीलिया कर दिया है मुरी झुंडी। तो जी पहुंच गए अपने गांव। अब 70 किलोमीटर हो गया है हमें, लेकिन ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जहां अब जो अब मिलेगी इतनी बेहतरीन सड़क। तो इतनी धूप में तमाम तप रही सड़कें। अब असली व्यवस्था तो हमारी है यहाँ। सड़क की बढ़िया ठंडी कर रही है हमने।
लो जी स्टार्ट हो गई ठंडी सड़क। तो ये फाड़ रहे कुट्टी, कुट्टी काट के चलेंगे धाने बोरिया पे। कल तगड़ी तगड़ी गड्डी ले आया तो वो ही काम कर गई, फिर आनी पड़ेगी ना तो भपका निकल जाएगा इसमें। आओ बैठ ले यार, चाय वाय पिलवाई जाओ। हाँ हाँ यही मारा चलो गोता शुरुआत करो हम तैयार है तो बात ही रहे गोता। हम आ गए नाने। हाँ यो है जी, यहाँ शुल्क वाला मामला है, लोकर पोकर की सुविधा मिल रही है, बड़ा बढ़िया हिसाब कर रहा है जी आराम से। खेतों में पानी चलता होगा जरूर पीछे हूँ, ये बच्चों के लिए हो वो बड़े बड़ों के लिए हो। बढ़िया इधर को तो निकल लिया, कहीं और क्यों जा रहा होगा पानी। बाकी जी यो है सुविधा शुल्क, यहाँ 80 रुपये 50 रुपये, 80 रुपये में पूरे दिन कितने हो नहाओ और 50 रुपये में एक घंटा, बाकी 3 घंटे हो गए हमें पड़े पड़े नहाते हुए। अब भीड़ भी थोड़ी बढ़ गई, अब टाइम भी तेरा हो गया। बड़े भैया आए हैं आज दोपहर, भैया भी जा रहे हैं अब अपने गंतव्य पे। वो ठीक है भैया, नमस्ते। तो ये 5:30 बज रहे हैं, अब हम भी चल रहे हैं। वैसे जिम जाने की इच्छा तो है ना, थका हुए पड़े हैं क्योंकि उसमें बतरे हाथ पैर पीटे हैं पानी में, स्विमिंग की बतरी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन फिर टाइम भी ना कट रहा दोपहर ही धूप सी में, वो चल ही रहे घूम ही आऊँगा कुछ ना करूँगा। तो क्या लगाओ खाई, तो ये एक्सरसाइज अपनी तो लगा रही है एक्सरसाइज। तो ये जिम से आ गए हाँ खेत पे, इस पर मन के निकलते हुए देख चला। अब इसकी आमी पे बालक खूब डंडी बंडी मार रहे हैं इन्हें, थोड़ा बहुत अच्छा छुट्टी करूँगा मैं, इसकी टेंशन ख़त्म करूँ पेड़ की। बाकी जी ब्लॉग की आज करते हैं यहीं समाप्ति, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।